ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर हार स्वीकार की है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को अब्दुल राशिद को जीत की बधाई दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बता दें कि वो बारामूला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और अब उन्होंने निर्दलीय अब्दुल राशिद को जीत की बधाई दे दी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव भी इस बार काफी अहम माने जा सकते हैं, लेकिन लगातार उमर अब्दुल्ला जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे थे। जब से मतदान की शुरुआत हुई तब से ही देखा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला जीत का दावा बारामूला सीट से करते थे, लेकिन अभी ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां बारामूला सीट पर उन्होंने ये अपनी हार स्वीकार कर ली है और निर्दलीय अब्दुल राशिद को जीत की बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है, इस दौरान वो अब्दुल राशिद को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां लगातार हमने देखा कि जब से मतदान की शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अपनी जीत का दावा ठोकते हुए नजर आते थे, लेकिन आज उन्होंने बारामूला सीट पर अपनी ये हार स्वीकार की है। ये एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है ये भी आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से निर्दलीय अब्दुल राशिद को जीत की बधाई दी है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर इस तरीके के अपडेट सामने आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो मुकाबला है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में देखा जा रहा है। और इसी बीच ये जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है, उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट पर हार स्वीकार कर ली है, निर्दलीय अब्दुल राशिद को जीत की बधाई दे दी है। उन्होंने एक्स पे ये पोस्ट किया है और पोस्ट करके ये जानकारी साझा करते हुए वो नजर आए। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर से। बता दें कि उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और तार ठोकते हुए नजर आ रहे थे और लगातार जीत के बड़े बड़े दावे करते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी आप ये उनका एक्स पर जो किया हुआ पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने राशिद को बधाई दी है, उन्होंने उनकी जीत पर उनको बधाई दी है और उन्होंने बारामूला सीट पर अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट साझा किया है और इस दौरान उन्होंने बारामूला सीट पर हार स्वीकार की है और निर्दलीय अब्दुल राशिद को जीत की बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं।